ओढ़ लिया है हिंदुस्तान इतने सालों के बाद चोपड़ा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली गॉड ब्लेस हिम एंड इट इज़ वंडरफुल कि इस साल ओलंपिक्स में इंडिया का इतना अच्छा प्रेजेंस रहा है, शायद सालों 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 बाद। एंड हैट्स ऑफ टू द स्पोर्ट्स अथॉरिटीज, द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, टू द गवर्नमेंट फॉर गिविंग फैसिलिटीज। ऑफ कोर्स वी आर स्टिल नॉट एट पार विथ यू नो जो अब्रॉड में जिस तरह से एथलीट्स को यू नो टेक केयर किया जाता है, पर जितना अभी हो रहा है शायद पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब आए दिन रोज़ देख रहे हैं, कभी ब्रॉन्ज आ गया, कभी सिल्वर आ गया और फिर गोल्ड आ गया। ओ माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैट्स ऑफ, जय हिंद जय भारत। आखिरी उन्होंने अपना वो गोल्ड मेडल मिल्खा जी, मिल्खा सिंह साहब को, स्वर्गीय मिल्खा सिंह को डेडिकेट किया, इस बारे में क्या कहना चाहिए? उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि इंडिया एक बार गोल्ड ले गया जी। एंड मिल्खा सिंह तो मतलब लेजेंड है और उन्होंने पहले हमें आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू पुट इंडिया ऑन द मैप इन ओलंपिक्स इन इंटरनेशनल सर्किट। तो अगर उन्होंने डेडिकेट किया है तो ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। मिल्खा सिंह जी एक बेंचमार्क है, एक एपिटमी है कि हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए आई थिंक इट्स अ वंडरफुल जेस्चर, वंडरफुल जेस्चर। एक अलग हफ्ता लग रहा है आपका। ये विशाल सारीज जो हैं ये उनके लिए, आई एम द ब्रांड एम्बेसडर, सो वी आर शूटिंग अ कैटलॉग राइट नाउ। एंड बहुत मज़ा आता है ऐसे सब अच्छे अच्छे तरह से तैयार होना। ये शिवानी है, ये मुझे तैयार करती है, ये सेवाशी काइंड ऑफ टेक्स केयर ऑफ द हेयर एंड जस्ट यू नो इट्स अनुपमा करते करते फिर एक दिन का जैसे ये ब्रेक या पिकनिक हो जाता है जहाँ पर हम मस्ती करते हुए शूट करते, डायलॉग्स याद नहीं करने पड़ते। आप क्या खुद पर्सनली क्या पसंद करते हैं, वेस्टर्न और इंडियन? नो नो, आई एम एन इंडियन फैन टोटली, पहले से ही। ऐसा नहीं है कि अब थोड़ा सा यू नो वेट पुट ऑन कर लिया है तो इंडियन सबसे बेस्ट है, उसमें सब छुप जाता है। लेकिन पहले से भी मुझे इंडियन कपड़े ही ज़्यादा पसंद है बिकॉज आई डोंट नो, आई थिंक जो हिंदुस्तानी औरत है वो हिंदुस्तानी कपड़ों में ही सबसे सुंदर लगती है।